पपाया वाटरमेलन डिलीशियस फ्लेवर्स। शामिरपुर नाम के गांव में सोमनाथ और उसकी बीवी लक्ष्मी एक व्यस्त जगह पर जूसेस और फल के रस बेचते थे। सोमनाथ का भाई रामनाथ बगल वाले गांव में खेती का काम कर रहा था। सोमनाथ और लक्ष्मी को कश्यप कह के एक बेटा था, उसको लाड प्यार से देखभाल करके पढ़ाई करवा रहे थे। सोमनाथ के जूस सेंटर के पास बहुत लोग आकर जूसेस पीते थे। उन लोगों में से कुछ लोग, तुम्हारा पास जो स्वाद है वो दूसरों के पास क्यों नहीं है, वो फल का है या तुम्हारा हाथ का चमत्कार है, कहकर पूछते थे। तब लक्ष्मी, सब कुछ आपके सोच में ही है मालिक, हम तो खेत में उगे हुए ताजा फल ही इस्तेमाल करते हैं, बोली। वैसे ही उनका व्यापार अच्छे से ही चल रहा था। थोड़े साल के बाद शहर में नया नया कॉलोनी तैयार होकर वहाँ पर भी फल के जूस बेचने वाले दुकान ज्यादा हो गए थे। उसके वजह से धीरे से सोमनाथ के जूस का व्यापार कम होने लगा। ये बात जानकर लक्ष्मी उसके दुकान में हमेशा जूस पीने के लिए आया हुआ साइंस टीचर कपड़िया से, आपके जैसे थोड़े लोगों के अलावा हमारे दुकान में जूस पीने के लिए पहले जैसे ज्यादा लोग नहीं आ रहे हैं सर, बोली। तब कपड़िया, फिर तो आप लोग जूस में नया तरीके से प्रयोग कीजिए, फिर से आपका व्यापार व्यस्त बन जाएगा, कहा। वो सुनकर सोमनाथ और लक्ष्मी का बेटा कश्यप, दो फ्लेवर्स का जूस बनाइए, कहा। तुरंत ही कश्यप कपाड़ी के तरफ मुड़कर, आप ही मास्टर जी हो ना, हमें पौधों को जोड़कर स्टेम ग्राफ्टिंग कैसे करना है बताए थे, आप मार पिताजी को इन पपीता और तरबूज के बारे में बताइए, कहा। तब कपाड़िया सोमनाथ से, हाँ हाँ ये जो बोल रहा है वो सही है, आपको पपाया और वाटरमेलन को मिलाकर ग्राफ्टिंग करने का तरीका मैं बताता हूँ, कहकर उनको कैसे करना है बताया। तुरंत ही लक्ष्मी, हाँ जी अब तो गर्मी का मौसम आ रहा है, अब पपीता और तरबूज के स्वाद वाले फल का रस तैयार करके उसको बेचकर बिक्री कैसे होता है देखेंगे, बोली। तब कपाड़िया ठीक है कहकर चला गया। अगले दिन सोमनाथ गांव जाकर रामनाथ से मिलकर उनके खेत में पपाया और वाटरमेलन को ग्राफ्टिंग किया हुआ पौधे लाकर लगाया। रामनाथ बहुत ध्यान से फल आने तक उनका अच्छा देखभाल किया। ग्राफ्टिंग पपाया के पेड़ में तरबूजा उगे, उस फल में पपाया वाटरमेलन दोनों फल का स्वाद आया। उस वाटरमेलन को रामनाथ और उनकी पत्नी काटकर स्वाद किए थे। पार्वती वाटरमेलन को खाकर, ये तो बहुत अच्छा है, पपीता और तरबूज दोनों का स्वाद मिलकर बहुत बढ़िया है, बोली। उन फलों को सोमनाथ और लक्ष्मी शहर में लाकर जूस सेंटर में पपाया वाटरमेलन दोनों को मिलाकर उनका रस बनाकर बिक्री करने लगे। उसमें दो तरीके के फल का स्वाद आने के वजह से धीरे से लोग आकर बड़े पसंद से पीने लगे। वैसे ही पपाया वाटरमेलन डिलीशियस फ्लेवर्स की वजह से उनका जगह पहले के जैसे व्यस्त बनकर अच्छे से व्यापार होने लगा। उसके लिए वे लोग बहुत खुश हुए। ऐसे उनका व्यापार अच्छे से चलने लगा और अच्छे से पैसे कमाने के वजह से शहर में अच्छा सा घर बनवाया और बेटा को अच्छा पढ़ाई करवाने लगा। तब से वे आराम की जिंदगी जीने लगे।